हरियाणा के एक ट्रक चालक पर लगा 2,500,000 का जुर्माना, अब तक का सबसे ज्यादा चलान। नमस्कार, नए मोटर वाहन अधिनियम के तहत लगाए गए कड़े जुर्माने ने दिल्ली में एक ट्रक चालक के मामले से सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए, जिसमें 2,00,000 रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया गया। हरियाणा पंजीकरण संख्या वाले ट्रक को परिवहन विभाग की एक परिवर्तन टीम ने शाम को जीटी करनाल रोड पर एक उचित लाइसेंस के बिना ओवरलोडिंग और ड्राइविंग सहित विभिन्न अपराधों के लिए चलान किया था। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने राम किशन की ओवरलोड ट्रक को रोका। राम किशन को 25 टन से अधिक वजन का भार उठाने की अनुमति नहीं है, लेकिन जब उनके ट्रक को पुलिस ने पकड़ा तो लोड का वजन परमिट सीमा से 43 टन 18 टन अधिक था। वह कथित तौर पर 10 यातायात नियमों के उल्लंघन के लिए जुर्माना लगाया गया था। ड्राइवर के सीट बेल्ट नहीं पहना था और ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं लिया था। ट्रक को ओवरलोडिंग के लिए 20,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया था, जिसमें अनुमन्य सीमा से 18 टन ऊपर ले जाने के लिए 36,000 रुपए का अतिरिक्त जुर्माना लगाया गया था। उन्होंने कहा कि ओवरलोडिंग के प्रत्येक अतिरिक्त टन पर संशोधित अधिनियम के तहत 2,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाता है। जुर्माने की कुल राशि में यातायात नियमों के उल्लंघन के लिए 1,31,000 रुपए और ट्रक मालिक पर 59,500 रुपए शामिल थे। अधिकारी ने कहा कि रोहिणी अदालत में गुरुवार को जुर्माना अदा किया गया था। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट करके बताएं, लाइक और शेयर जरूर कीजिए और आगे भी ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम हर रोज ऐसी खबरें आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद।